हेलो गाइस, पैन गुडी दीजिए मंडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे जस्ट लीग से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे वीडियो की एंडिंग में एक छोटे से अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। ओके गाइस, तो आज मैं बात करूंगा जस्ट लीग के अपडेट के बारे में। अब आप कहोगे कि आपने भाई 4 दिन पहले तो एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, फिर दोबारा वीडियो क्यों बनाया? तो गाइस, मैंने वो 4 दिन पहले जो वीडियो बनाया था, मैंने उसमें ये बोला था कि भाई एक ऐसा अपडेट आया है कि जैक स्नाइडर के ऑफिशियली कट हमें देखने को मिलेंगे, और 2 दिन बाद क्या हुआ, वो रिलीज हो गए। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एक मैटर हो गया बहुत तगड़ा। अब ये थोड़ा वीडियो लेंथी होगा, और देन इसके पीछे एक वजह है, और वजह है ये कि जब ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करा, DM करा कि भाई ये मैटर क्या है, ये जस्टिस लीग के ऑफिशियली कट क्यों रिलीज हुए हैं दोबारा से, हमें इसमें ऐसा क्या देखने को मिलेगा। अब ये उन लोगों के मैसेज थे जिन्हें DC की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, जो कि DC के फैंस हैं पर वो डाई हार्ट फैंस नहीं है। डाई हार्ट फैंस को नॉलेज है कि जैक स्नाइडर कट क्या है, और जो डाई हार्ट फैंस नहीं है उनको ये नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने मुझे मैसेज करा, तो उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे कि कब लॉन्च होगा, ट्रेलर आएगा या नहीं, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, एवरीथिंग, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो यार मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि मैंने यार इसके ऊपर एक फुल वीडियो बना दिया जाए, तो बहुत अच्छी बात थी। तो मैंने सोचा कि अब ये वीडियो सिर्फ DC फैंस के लिए नहीं, डाई हार्ट फैंस के लिए भी बनेगा, जिसमें कि मैं सारी डिटेल बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बैक स्टोरी के बारे में। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में वॉर्नर अवार्ड्स कंपनी अनाउंस करती है एवेंजर की सक्सेस को देखते हुए कि वो भी DC यूनिवर्स में जस्ट लीग मूवी बनाएंगे, वो भी 2 पार्ट में, जस्ट लीग पार्ट 1, जस्ट लीग पार्ट 2। जी हाँ, और उसी के साथ अब वॉर्नर अवार्ड्स कंपनी के पीछे एक इम्पॉर्टेंट सी कह सकते हो मतलब प्रॉब्लम आ गई कि इस मूवी को डायरेक्ट कौन करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी लेवल की मूवी थी यार जस्ट लीग, जिसमें कि सारे DC के कैरेक्टर को एक साथ दिखाना जाना था, पर ये बहुत बड़ा चैलेंज था DC के लिए। तो वॉर्नर अवार्ड्स कंपनी ने देखा पहले की पिक्चर है मैन ऑफ स्टील, जिसमें कि जैक स्नाइडर ने उन्हें डायरेक्ट करा था। तो जैक स्नाइडर ने ऐसी सुपरमैन की मूवी सामने प्रेजेंट करी, अगर आप पहले की सुपरमैन मूवी को देखो और मैन ऑफ स्टील को देखो तो आपको रियलाइज होगा VFX और जैक स्नाइडर के डायरेक्शन का तरीका, कि सुपरमैन जिस स्पीड से उड़ाए और जिस स्पीड से उनने सारी चीज़ें तोड़ी हैं, बिल्डिंग, पहाड़ वगैरह, मतलब बहुत ही कमाल का एनिमेशन, VFX, उनकी मेहनत दिखती है उस मूवी में। तो वॉर्नर अवार्ड्स कंपनी ने फैसला करा कि जस्ट लीग मूवी को तो बनाएंगे जैक स्नाइडर। अब जैक स्नाइडर को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है, वो इस मूवी को बनाते हैं, पर यहाँ पे होता क्या है कि जैक स्नाइडर किसी कारणवश इस मूवी को छोड़ देते हैं, और वो कारण होता है उनकी बेटी। उनकी बेटी की डेथ हो जाती है बीच दौरान शूटिंग में, और वो इस मूवी को छोड़ देते हैं। और सब दूसरा रीज़न ये होगा कि वॉर्नर अवार्ड्स कंपनी और जैक स्नाइडर के बीच में लड़ाई हो गई। तो ये 2 रीज़न थे इस मूवी को छोड़ने के। अब वॉर्नर अवार्ड्स का तो ये दिमाग ख़राब हो गया, क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि 2000 वाली जो एवेंजर्स है वो बहुत ज़्यादा सुपरहिट गई थी, उसके जो डायरेक्टर थे जॉस विडो, उनको उन्होंने हायर कर लिया। अब वॉर्नर अवार्ड्स कंपनी ने इतना ज़्यादा प्रेशर करा कि भाई इस मूवी को रिलीजिंग डेट पर लॉन्च करना है, तो तुम ऐसा करो कि जितने भी उन्होंने शूट करें जैक स्नाइडर ने, वो सारे डिलीट मारो, मूवी को देखो, दोबारा से रीशूट करो और सामने प्रेजेंट करो हमारे सामने, और जब मूवी फाइनल हो जाए तो टाइम पर रिलीज कर दो। अब जॉस विडो ने वैसा ही करा जैसा कि वॉर्नर अवार्ड्स कंपनी ने बोला, पर वो मूवी गई फ्लॉप। जी हाँ, अब इंडियन फैंस की बात करी जाए तो इंडियन फैंस ने तो इसे देखकर पास कर दिया, भाई मूवी बहुत बढ़िया है, DC फैंस पागल हो गए। पर US ऑडियंस पागल नहीं थी, US ऑडियंस को एक्चुअल में पता था कि जैक स्नाइडर कट कैसे होंगे, उन्होंने बैकग्राउंड स्टोरी देखी थी, उन्होंने काफ़ी सारे कह सकते बिहाइंड द सीन इमेजेस देखे थे, पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो US ऑडियंस ने मूवी रिलीज होते ही उसकी रेटिंग्स गिरा दी, US मूवी में वो फ्लॉप गई, और देन उन्होंने कमेंट, ट्वीट, इंस्टाग्राम पोस्ट, वॉर्नर अवार्ड्स कंपनी को मेल लिख डाले कि भाई वो स्नाइडर कट लॉन्च करो। अब वॉर्नर अवार्ड्स कंपनी को भाई टाइम हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, और वॉर्नर अवार्ड्स कंपनी में लगातार मेल में मेल आते रहे। तो वॉर्नर अवार्ड्स कंपनी ने फाइनली नई CEO से अनाउंस करवा दिया कि भाई स्नाइडर कट लॉन्च होंगे। अब DC फैंस हो गए खुश, अब लॉन्च होंगे, कब लॉन्च होंगे, कौन सी रिलीजिंग डेट, क्या फलाना ढिकाना। तो भैया परसों आ गया अपडेट कि भाई वॉर्नर अवार्ड्स कंपनी ने फैसला कर दिया कि लॉन्च होना है। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में, ये रही बैक स्टोरी। तो सबसे पहला अपडेट है कि वॉर्नर अवार्ड्स कंपनी को इतना टाइम क्यों लग गया। तो टाइम भाई इसलिए लग गया कि जैक स्नाइडर ने सिर्फ शूट ही करा था, उस पर पूरा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करा। तो वॉर्नर अवार्ड्स कंपनी ने जैक स्नाइडर के सारे कट सीन को लेकर उस पर VFX का काम करवाया, जिसमें कि पूरी टोटल कॉस्ट आई 10 से 20 मिलियन की। जी हाँ, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि मूवी तो टोटल 4 घंटे की है। HBO Max पे ये
पूरे सारे जेंडर कट रिलीज होंगे, जो कि 4 घंटे की इसकी रनिंग टाइमिंग है। और 4 घंटे की मूवी को दोबारा बनाना तो भाई VFX पे तो खर्चा आएगा ही, भले आप कास्ट का कॉस्ट नहीं दे रहे हैं पर पूरा VFX का खर्च तो देना पड़ेगा। तो HBO Max पे ये रिलीज होगी, अगले साल रिलीज होगी 2021 में मार्च से अप्रैल के महीने के बीच में, और टोटल 10 से 20 मिलियन का इस पर खर्चा आया है। और देन ये आपको 4 घंटे की टोटल फुल मूवी देखने को मिलेगी, वो भी इंग्लिश में। हिंदी में डब होगी या नहीं ये अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया, तो भाई कमेंट सेक्शन में मत पूछना, हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है। मैं रिप्लाई नहीं दे पाता उस चीज़ के, फिर और भी एक्स्ट्रा रिप्लाई दे दूंगा पर इस चीज़ की रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि मुझे खुद कन्फर्म नहीं है हिंदी में रिलीज़ नहीं होगी। और साथ ही साथ एक और अपडेट आया है कि ये हमें 6 एपिसोड में दिखाया जा सकता है कुछ अलग हटके, और मतलब 4 घंटे की मूवी देखने को मिलेगी जेंडर की, और देन हमें 6 एपिसोड दिखाए जाएंगे कि ये मूवी कैसे बनी, किस चीज़ों का सामना करना पड़ा, जैक स्नाइडर ने क्यों छोड़ा, इस टाइप के शायद एपिसोड हमें दिखाए जाएंगे। और उसके साथ एक्स्ट्रा अपडेट ये आया है कल के दिन कि इस मूवी में हमें डार्क साइड देखने को मिलेगा, जो कि थैनोस के बराबर का विलेन है, ठीक है, आप सब जानते भी होंगे अच्छी तरीके से। सुपर गर्ल देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे सुपर गर्ल कौन, भाई एक टीवी शो आता है सुपर गर्ल का और एक सुपरमैन की बहन भी है, ठीक है, जो कि हमें जस्टिस लीग में दिखाई गई थी पहले ट्रेलर में, मैंने खुद देखा है। अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च मार सकते हो पहला ट्रेलर जस्टिस लीग का, जिसमें आपको सुपर गर्ल के पैर दिखाई देने को मिल जाएंगे, तो हमें वो देखने को मिलेगी। एटम देखने को मिलेगा। अब एटम कौन है, एटम है नहीं है, मार्वल का कह सकते हो जैसे एंटमैन है, ऐसे डीसी का एंटमैन वो है एटम, तो वो भी छोटा बड़ा हो जाता है, बहुत ही कमाल का साइंटिस्ट है वो भी, बहुत तगड़ा, ठीक है, ये हमें सब देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट लास्ट अपडेट है जो बहुत ही कमाल का, वो ये है कि हमें इसका ट्रेलर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, जस्टिस लीग के ऑफिशियल जेंडर कट का हमें ट्रेलर भी देखने को मिलेगा, जो कि रिलीज होगा इसी साल, ये वॉर्नर वॉर्स ने कन्फर्म कर दिया है। पर पूरी 4 घंटे की मूवी रिलीज होगी अगले साल 2021 में, इस साल तो देखने को नहीं मिलेगी। और HBO Max की जो स्ट्रीमिंग सर्विस है वो इंडिया में लॉन्च होगी, एक और अपडेट ये आपके लिए। अब आ जाती है इंपॉर्टेंट बात कि हिंदी में कब लॉन्च होगा। तो हिंदी का जैसी कोई अपडेट आएगा ना, रिलीजिंग डेट का जैसा भी कंफर्मेशन आएगा, वो मैं आपको अपने ट्विटर अकाउंट और सोशल मीडिया हैंडल पर बता दूंगा, तो जाके फॉलो कर लो। और देन अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। अब बात करते हैं उस छोटे से अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले जैसे ही अनाउंस हुआ कि जेंडर कट लॉन्च होंगे, ऐसे ही सुसाइड स्क्वाड के डायरेक्टर डेविड का भी मन में पता नहीं क्या कीड़ा बुलबुलाया, उनने भी बोल दिया कि भाई पॉसिबिलिटीज है कि सुसाइड स्क्वाड के भी जेंडर कट की टाइप के लॉन्च होंगे, यानी कि सुसाइड स्क्वाड में भी बहुत सारे ऐसे सीन शूट करे गए थे कमाल के उनके हिसाब से, डेविड के हिसाब से, ठीक है, उनने भी बोला है कि मेरी भी भाई मूवी के रिलीज होने चाहिए। तो इसका भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको कन्फर्मेशन कर दूंगा, बस अभी हाल ही में अपडेट आया कि सुसाइड स्क्वाड के भी कट देखने को मिलेंगे। उसके साथ अगला अपडेट है OTT की अपडेट्स। जी हाँ, तो नेटफ्लिक्स पे 30 रीजंस वाई का 4th एपिसोड यानी कि 4th सीजन आपको देखने को मिलेगा हिंदी में, ठीक है, तो जाके देख लेना। और season 1 अभी तक हिंदी में डब नहीं हुआ है, एक भाई ने ऑफिशियली डबिंग वाले आर्टिस्ट से पूछा था, उनने मेरे को स्क्रीनशॉट भी सेंड करा और मैंने तुरंत जाके चेक करा तो डबिंग नहीं मिली। तो जैसी कोई season 1 की हिंदी डबिंग का अपडेट आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, और 4th सीजन भी हिंदी में डब होगा। तो गाइस ये थे वो फुल काफ़ी कमाल के अपडेट। और देन इसके अलावा अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो भाई इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है यार, रिप्लाई दूंगा 100% दूंगा। और तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, रियली में आपको जो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर बैटमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।